नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ विकास कुमार। चुनावी यात्रा को लेकर मेरा जो है विधानसभा क्षेत्र, सभी विधानसभा क्षेत्र में जाना होता है, तो आज जो है नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में मैं था और लोगों से मिल रहे थे, जनता की राय। और खासकर चुनाव का मौसम है तो चुनावी चर्चा होती रहती है। और नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में जो है मुलाकात मेरी डॉक्टर अशोक कुमार आलोक से हो गई। भाजपा की तरफ से ये चुनाव लड़ रहे हैं और पिछली दफ़ा मैंने इनका एक इंटरव्यू भी करा था स्टूडियो में, उस वक्त ये मौजूद थे और इनसे बहुत सारी बातें हुई थी चुनाव को लेकर। और मुझे ऐसा लगा कि, और मेरी कोशिश भी रहती है कि क्षेत्र में जितने भी विधानसभा के चुनाव में प्रत्याशी हैं उनकी क्या मनसा है, वो किस मनसा के साथ क्षेत्र में आए हैं, उनकी प्राथमिकताएँ क्या है, यह मेरी जानने की कोशिश रहती है। क्योंकि ताकि जनता को यह पता चले और जनता एक अच्छे विधायक को चुने, और ये सारी बातें होती है। और आज मेरी मुलाकात हुई है, ये भी कहीं से कार्यक्रम से लौट रहे थे, तो मैंने सोचा कि इससे बेहतर क्या होगा, इनकी जो मनसा है वो आप लोगों तक पहुंचाई जाए। सर, कैसा चुनाव प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है? बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। एक्चुअली चुनाव के प्रचार तो वो और भी प्रत्याशी होंगे जो सिर्फ चुनाव के समय क्षेत्र में जाते हैं। मैं तो लगातार चोली दामन का संबंध है मेरा जनता के साथ और क्षेत्र के साथ, तो मैं क्षेत्र में बना ही रहता हूँ। और संजोग है कि चुनाव अभी हैं तो मैं लगातार सुबह 6 बजे से लेकर के 12-1 बजे रात तक मैं जनता के बीच में हूँ और मुझे जनता का अपार समर्थन और प्यार मिल रहा है। क्या लगता है सर, खुद को ये चुनावी रेस में आप खुद को कहाँ पे देख रहे हैं? जी, मैं अपने आप को बहुत ही बेहतर स्थान पर देख पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी तुरंत बताया अभी कि लोग चुनाव के समय क्षेत्र में जाते हैं, लंबी लंबी वादे करते हैं। मैं कोई वादा नहीं करता, काम ही मेरी पहचान है, लोगों को सम्मान देना मेरा कार्य है, लोगों की लड़ाई लड़ना, गरीबों की लड़ाई लड़ना मेरा काम है। तो मैं अपने आप को बहुत ही बेहतर स्थिति में पाता हूं और अपार जन समर्थन, प्यार एवं आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और जहां तक युवा साथी हैं, बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे हैं, युवा साथी सहयोग कर रहे हैं, माँ बहनों का ही प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। युवा की जिक्र आई तो मैं तकरीबन 2 दिन पहले मैं आपके विधानसभा क्षेत्र का एक परघड़ी अलंग पंचायत में था। वहाँ पे खासकर ऐसे तो मैं बहुत सारा आपका जो है गांव, जो आपके विधानसभा के क्षेत्र में गांव है, बहुत सारे गांव में मैं गया, लेकिन परघड़ी अलंग गांव में वहाँ पे युवाओं का जो है आकर्षण आपके प्रति कुछ ज्यादा था। जी, सबसे बड़ी बात वहाँ पर ये है कि वो वहाँ पर 3 पंचायत है, अलंग परघड़ी ही नहीं, अलंग परघड़ी, बैजलपुर और लेलख, ये तीनों की तीनों जनता आज तक गुलाम है, उनको किसी प्रकार का आज़ादी नहीं है। वहाँ पर सड़कें नहीं है, रेलवे पर ओवर ब्रिज नहीं है, कोई पुल पुलिया नहीं है, वो बरसात के दिन में वो टापू बन जाता है। अगर लोग बीमार पड़ जाएं तो उसको गौराडी होते हुए 25-30 किलोमीटर घूम करके जाने पड़ते हैं, उनको काफ़ी कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पर जब भी लोग को बीमार पड़ते हैं तो वहाँ पर हजारों की संख्या में मैंने लोगों को बुलाकर मेडिकल कैंप लगवाया, लोगों को दवाई वितरण करवाया। वहाँ पर नौका नहीं था तो मैंने अंचलाधिकारी महोदय से बात कर पिछले दफ़ा वहाँ पर नौका को दिलवाया था कि लोगों को जाने आने में बाढ़ के समय परेशानी ना हो। लोग वहाँ पर अगर, चूंकि कमजोर और गरीब क्षेत्र है, लोग अक्सर बीमार पड़ते हैं, तो कभी लोगों को खून से मदद करना, तो कभी किसी प्रकार का भी आर्थिक सहयोग, बच्चों को पढ़ने के लिए, युवा को खेलकूद के लिए मैं हमेशा सहयोग करता रहा हूँ, तो लोगों को अच्छा लगता है। और भी बिजली की समस्या, पानी की समस्या, तो हर समस्या के लिए मैं वहाँ पर प्रयास करता हूँ। इसलिए युवा के साथ साथ, युवा तो काफ़ी उत्साह में है, क्योंकि युवा को ऐसे आदमी के साथ चाहिए जो शिक्षा की बात करे, जो खेलकूद की बात करे, जो विकास की बात करे, तो युवा उनके साथ रहते हैं। इसलिए वहाँ के युवाओं से मेरा विशेष लगाव है, एक घर सा रिश्ता बन गया है वहाँ पर मुझे। खून की जो बात थी वहाँ पे जिक्र भी करा था लोगों ने कि अशोक आलोक ने मुझे खून उपलब्ध कराया था। आपके विधानसभा के क्षेत्र में देखा जाए तो, ये मेरा भी सवाल है आपसे और विधानसभा क्षेत्र के आपके जो लोग हैं जिनसे मैं मिला हूँ उनका भी ये सवाल रहता है कि डॉक्टर अशोक कुमार आलोक पर जो है दल बदलने का जो है वो इल्जाम लगता है, और ये सर मेरा भी सवाल है आपसे। मैं एक बात आपको और जनता को आश्वस्त करते हुए कहना चाहता हूँ कि मेरा रिश्ता जनता से है, मेरा दल जनता है, मेरी प्रतिष्ठा जनता है, मेरी आन बान शान जनता है। मैं जनता के साथ कभी नहीं बदलूंगा, जनता के साथ सुंदर संबंध बना करके रखूंगा, लेकिन मैं वर्तमान दलगत व्यवस्था में पार्टी का गुलाम बनकर कभी नहीं रहना चाहता हूँ। पार्टी अगर मुझे टिकट नहीं देती तो कोई बात नहीं है, एक बेहतर कर्मठ कार्यकर्ता को जो समाज सेवा लक्ष्य बनाकर चले हैं उनको अगर टिकट दिया जाता तो मैं पार्टी के साथ होता, लेकिन अगर एक ऐसे व्यक्ति को उठा करके हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से जनता के बीच डाल दिया जाएगा
तो मैं उसके साथ नहीं रह सकता हूं। मैं जनता के साथ संबंध बना लिया है और जनता के हक और हकूक के लिए उसकी आवाज पटना में उठाने के लिए मैं वहां पर गया। बसपा ने मुझे टिकट दिया, एक बेहतरीन ग्रैंड डेमोक्रेटिक सोशल फ्रंट है जिसमें कि ओवैसी साहब, सुश्री बहन मायावती जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, धीरेन्द्र प्रसाद यादव जी सब हैं उसमें। तो इन लोगों का मुझे प्यार और आशीर्वाद मिला, उन्होंने मुझे सिंबल दिया, मैं उनका सम्मान करता हूं। और मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि मैं इन गरीब, अकलियत, कमजोर, पिछड़ों की लड़ाई लड़ने के लिए, युवा की लड़ाई लड़ने के लिए, किसान और मजदूर की लड़ाई लड़ने के लिए मैं किसी दल से ऊपर जा सकता हूँ। मैं जनता के साथ हूँ, जनता के साथ रहूंगा। लोगों का, कुछ लोगों का काम इल्जाम लगाना, वो करते रहते हैं, मुझे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। लोगों का कहना है, आपके विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं जिनसे मैं मिलता हूं, और खासकर एक भागलपुर से विधानसभा क्षेत्र नाथनगर नजदीक होने के कारण मैं अक्सर आ जाता हूं और न्यूज के लिए भी आना होता है, ऐसे चुनाव चल रहा है तो चुनाव के लिए आ जाते हैं। लोगों का कहना है कि अशोक कुमार आलोक को जो है विधायक बनने की हड़बड़ी है, और ये मेरा भी सवाल। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, विधायक बनने की हड़बड़ी जैसी कोई बात नहीं है। आप अगर देखें तो मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि अगर एक 28-29 वर्ष के व्यक्ति को बिहार के मुख्यमंत्री बनने की हड़बड़ी है तो मैं 38-40 वर्ष होकर लगातार 20 वर्षों से जनता की लड़ाई लड़ता हूं, संघर्ष करता हूं, और तब अगर मैं इतने उम्र में आकर इतना पढ़ लिख कर तीन तीन नौकरी को छोड़कर अगर समाज, हमारी जनता कमजोर है, बेसहारा है, उनकी आवाज बनना चाहता हूं, विधानसभा में जाकर उसकी आवाज को उठाना चाहता हूं, तो इसमें कोई हड़बड़ी सी नहीं दिखती है। मुझे तो लगता है कि मैं एक सुनियोजित तरीके से काम कर रहा हूं, क्योंकि जनता को देखने वाला कोई नहीं है। अगर मुझे ये लगे कि जो जदयू है, राजद है, ये सभी अगर किसी युवा को, पढ़े लिखे शिक्षित समझदार को, जो जात धर्म से ऊपर उठ करके प्रयास करता हो, वैसे लोगों को अगर टिकट देती तो मैं चुनाव नहीं लड़ता, मैं दल बदल नहीं करता, मैं उसको सहयोग करता। लेकिन अगर आप वैसे व्यक्ति को जो रिटायर हो चुके हैं, जो समाज के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, जो सुख दुख में साथ दे नहीं सकते हैं, जो जनता के बीच आ नहीं सकते हैं, उसको अगर आप टिकट देते हैं तो मैं तो चुनाव लड़ूंगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो जनता को ये कभी नहीं लगता। हाँ, कुछ लोग ऐसे बोल सकते हैं कि मुझे हड़बड़ी है, मुझे सिर्फ एक चीज की हड़बड़ी है, इस जनता, बेचारी जनता के आंख का आंसू मैं कैसे पोंछूं, मैं उसकी लड़ाई कैसे लड़ूं, मुख्यमंत्री और विधानसभा के बीच मैं आवाज को कैसे उठाऊं, इसलिए मुझे वहां पर जाना है और मुझे संघर्ष करना है, मुझे एक सुंदर समाज को बनाना है। ये बातें जनता की हो गई, जनता की जो बातें होती है जब मैं क्षेत्र में रहता हूँ, गाँव के लोग जो हमसे पूछते हैं, तो मेरी भी कोशिश रहती है कि जब भी प्रत्याशी से मुलाकात हो तो मैं उनसे ये सब सवाल करूं। तो ये जनता की सवाल था, जनता जो पूछते हैं हमसे, वो मैंने पूछने का प्रयास करा। अब बारी मेरी है और मैं सवाल करूंगा आपसे, मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहेंगे? आपको पता होना चाहिए कि मैं एक गठबंधन में हूँ और हमारे गठबंधन के शीर्ष नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। वह एक विद्वान व्यक्ति हैं, वह बहुत बेहतर तरीके से सोच समझ करके निर्णय लेंगे। और पहले तो मेरी ये मंशा होगी कि हमारा गठबंधन मजबूती से आए बिहार में, और इसके बिना बिहार का सरकार बन भी नहीं सकता है, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ कि वर्तमान में जो बिहार के गद्दी पर मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं नीतीश कुमार जी, उनको मुख्यमंत्री के पद पर मैं एक पल भी देखना नहीं चाहता हूँ, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है, मेरी यही इच्छा है। हाँ, मैं ये जरूर चाहता हूँ कि एक बेहतर व्यक्ति अगर हमारा गठबंधन मुख्यमंत्री बने तब तो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं ही, और अगर वैसी स्थिति न आ पाए किसी कारणवश, अगर जनता का अपार समर्थन हमें नहीं मिल पाया, तो हम चाहेंगे कि एक युवा, तेज़तर्रार, शिक्षित व्यक्ति मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठे, जो समाज का नेतृत्व जात पात और धर्म की भावना से ऊपर उठ करके कर सके, और जिसमें समाज सेवा, समाजवाद की भावना का संचार हो, और जो युवा के विकास की सोच सके, जो किसान और मजदूर के विकास की सोच सके, ऐसे ही किसी व्यक्ति को जो कि हमारे नेता चाहेंगे और हम लोग मिलकर के वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे। एक पत्रकार के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं तो मुझे नाथनगर विधानसभा क्षेत्र का मुकाबला त्रिकोणीय लग रहा है, और देखा जाए तो आपकी जो पार्टी है बिहार में मजबूत स्थिति में नहीं है, लेकिन आपने जो, आपके क्षेत्र में जो लोग हमसे पूछते हैं, जो लोगों की मैंने मनसा देखता हूं, जो लोग हमसे कहते हैं, उस स्थिति से देखा जाए तो आपकी जो काबिलियत है, आपने जो क्षेत्र में कमाया, उस हिसाब से मैं ये कह रहा हूं कि मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन
एक प्रत्याशी के तौर पे आपसे हम जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं लोजपा की एंट्री इसमें मुकाबला समीकरण कहीं ना कहीं बदला सा लग रहा है, आपकी राय? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा गठबंधन कहीं से भी कमजोर नहीं है, क्योंकि आज आप देखें कि माई समीकरण की बात होती है तो मेरे गठबंधन में तो असदुद्दीन अवैसी साहब हैं, सुश्री बहन मायावती जी हैं, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी हैं, यूपी के मंत्री अशोक राजभर जी हैं, तो कई बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं और ये सिद्धांतवादी लोग हैं, समाजवादी लोग हैं, धर्मनिरपेक्ष लोग हैं। तो ये सब मिल करके हम लोगों को निश्चित तौर पर अच्छे अच्छे उम्मीदवार को उन्होंने टिकट दिया, सिंबल दिया है, तो हम लोग निश्चित तौर पर अच्छी स्थिति में हैं और इतनी मजबूत स्थिति में तो जरूर हैं कि वर्तमान मुख्यमंत्री को गद्दी से हम लोग उतार करके फेंक दें, इतना तो मजबूत हम लोग हैं। और दूसरा जो प्रश्न आपका रहा कि लोजपा, तो मैं आपको साफ शब्दों में कह देना चाहूंगा कि लोजपा के आने से नाथनगर विधानसभा ही नहीं पूरे बिहार में सत्ता पक्ष को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। साफ तौर पर देखा भी, साफ तौर पर मैं कह देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जो बिहार के नीतीश कुमार, वह धृतराष्ट्र हो गए हैं, वह कुर्सी के प्रेम में अंधे हो गए हैं। और एक धृतराष्ट्र वो थे जो अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाना चाहते थे, एक धृतराष्ट्र ये हैं जो अपनी कुर्सी के मुंह में अंधे हो गए हैं, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। और जिस प्रकार उस समय भीष्म पितामह के लिए, उसके पतन के लिए शिखंडी की भूमिका हुई थी, ठीक उसी प्रकार नीतीश कुमार के ताबूत में कील ठोकने के लिए लोजपा को तैयार किया गया है और लोजपा हमें सहयोग कर रही है, पूरे बिहार में नीतीश कुमार को गद्दी से उतारने के लिए सहयोग कर रही है। और लोजपा के आने से हमें बहुत लाभ मिल रहे हैं, जदयू के कैंडिडेट तो उसी समय मतलब अपने दरकिनार हो रहे हैं। और जहां तक त्रिकोणीय मामला है तो ये सच्चाई है कि नाथनगर का विधानसभा त्रिकोणीय स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ रहा है और मैं बहुत बेहतर स्थिति में हूँ लोजपा के आ जाने से। और कई एक मुस्लिम उम्मीदवार भी जो खड़े हो गए हैं तो राजद के लिए जो मतलब डैमेज होगा वो कंट्रोल करना मुश्किल होगा। और कई लोग जो मनसा पहले हुए थे राजद के लिए वो भीतरघात भी करेंगे, जिसका लाभ मुझे साफ मिलेगा। तो ये सत्य कि त्रिकोणीय मामला है और इस त्रिकोणीय मामले में मैं आगे बढ़ूंगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। एक समाज सेवी के तौर पे ये मेरा सवाल आपसे स्टूडियो में भी था और अभी भी थोड़ा मैं उसमें तब्दीली करूंगा, एक समाज सेवी के तौर पे बेहतर तरीके से आपको जानते हैं, इसमें नो डाउट, नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में लोग जब आपका जन मिलना होता है तो अब तो एक प्रत्याशी के तौर पे आप खुद को प्रेजेंट करते होंगे, तो लोगों की क्या इच्छा होती है कि अशोक आलोक एक समाज सेवी बेहतर रहे या फिर प्रत्याशी जो है वो विधायक में तब्दील हो जाए? जी, लोगों की मंशा है, क्योंकि लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं। सबसे बड़ी समस्या लोगों की जो मैं देखता हूं और मुझे वो कष्ट झेलना पड़ता है, लोगों के प्रश्न का सामना करना पड़ता है कि जीत करके लोग जाते हैं आते नहीं हैं। तो अगर व्यक्ति समाज सेवी होंगे जिनका समाज से संबंध होगा, रिश्ता होगा, तो समाज के बीच में जाते रहेंगे। तो जनता तो ये चाहेगी कि समाज सेवी व्यक्ति चुनाव जीत करके आए और जनता के साथ अन्योन्याश्रय संबंध बना करके रहे। तो ऐसे में जनता को मुझसे बहुत आशा है, वो चाहती है कि मैं समाज सेवी भी हूँ और राजनीति भी बनूं, मैं चुनाव भी जीतूं और मैं अपने समाज सेवा के बदौलत जनता की सेवा करूं और मैं अपने विधायकी के बदौलत जीत करके विधानसभा में जनता की आवाज उठाऊं, उसकी लड़ाई लड़ूं और विकास के एक नए इतिहास को लिखूं। एक सवाल जो कि राजनीति से हटके है लेकिन बातें राजनीति की है तो उसमें कुछ राजनीति भी है और वर्तमान परिदृश्य से बिल्कुल अलग है ये सवाल कि किसी का विरोध करने का मतलब क्या किसी का समर्थन करना होता है या किसी का समर्थन करने का मतलब किसी का विरोध करना होता है? मेरा ऐसा मानना है कि किसी का आप समर्थन करते हैं तो जरूरी नहीं है किसी का विरोध होता है, या किसी का विरोध करते हैं तो जरूरी नहीं किसी का समर्थन करना होता है। लेकिन एक नेता, एक समाज सेवी और वर्तमान में प्रत्याशी होने के नाते आपकी मनसा? नहीं, ये अलग अलग मायने होते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें होती है, वो एक समान नहीं होता। जैसे कि कहीं पर अगर मैं किसी का विरोध कर रहा हूँ तो किसी के समर्थन में हो सकता है, और कभी कभी कुछ लोग अगर किसी का विरोध करते हैं तो किसी का समर्थन हो जाता है। जैसे आप चुनाव को ही ले लें, तो चुनाव जैसे कि लोजपा, अभी लोजपा जो है पूरे बिहार में वो नीतीश कुमार के विरोध में है, तो डायरेक्टली जो विपक्ष के लोग हैं उसके समर्थन में हो गए हैं, मायने बदल जाते हैं। तो जगह पर कभी किसी का विरोध किसी का समर्थन हो जाता है और कभी किसी का समर्थन किसी का विरोध हो जाता है। बिल्कुल। आखिरी सवाल सर, हमेशा एक सवाल मेरा रहता है खासकर नेताओं से कि युवाओं की भागीदारी हर जगह में अच्छी है, सही मानी जाती है, और राजनीति में भी, खेल के मैदान में भी,
और खासकर ये सवाल इसलिए मेरा होता है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में कई युवा, खासकर लड़कियां, काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं, प्रतिभावान हैं, और ये कम शब्दों में जवाब चाहेंगे कि उनके लिए कोई पहले से प्लानिंग, यानी आप एक नेता यानी विधायक बनते हैं तो भी और नहीं बनते हैं तो भी? वो मेरा अंदर चलते रहता है, छात्राओं के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए खेल कूद और शैक्षणिक कार्यक्रम, ये तो दोनों मेरे चलते चले आ रहे हैं और चलते रहेंगे। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि अगर मैं चुनाव जीत जाता हूँ तो उसमें और मजबूती प्रदान होगा। निश्चित तौर मैं युवाओं के खेल कूद के लिए तीनों प्रखंड नाथनगर समेत जगदीशपुर में एक स्टेडियम का निर्माण करवाऊंगा और सभी पंचायतों में पुस्तकालय का निर्माण करवाऊंगा, जहाँ पर कि बच्चे खेले भी और पढ़े भी, एक सुंदर समाज का निर्माण हो। और मैं युवा के साथ जीता हूँ, युवा के साथ मैं मरूंगा, यही मेरी इच्छा है। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि युवा के साथ मैं हूँ और हमेशा रहूंगा। प्रार्थना, एक सवाल, आखिरी सवाल याद आ गया कि जीतने के पश्चात या तो फिर आपके एक प्रत्याशी के तौर पे क्या प्राथमिकताएं क्या रहेगी? हालांकि इससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 90 दिन में NHT बनाने का दावा फैल हो चुका है। बिल्कुल, मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता, ना कोई मैं वादा करता हूँ। मैं सबसे पहला, मेरी प्राथमिकता है कि मैं चुनाव जीत कर मैं हर हाल में जिस प्रकार समाज के बीच बना रहता हूँ, मैं समाज के बीच बना रहूंगा। 4300 पंचायत मेरा घर है, मैं वहाँ पर जाता आता रहूंगा, दुख सुख में साथ देता रहूंगा। और चूंकि एक एक समस्या मेरे नजर में है, मैं उस समस्या, जैसे कि हमारी समस्या नाथनगर विधानसभा के जो उत्तरी क्षेत्र है ये बाढ़ से प्रभावित है और किसान को बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता है, उसके फसल डूब जाते हैं। मैं उसके लिए प्रयास करूंगा, किसानों को उत्तम खाद बीज, उत्तम नस्ल के फसल मिले, किसानों के लिए मार्केटिंग की व्यवस्था हो। आप देखें कि किसानों के लिए हमारा जो जगदीशपुर है वह कतरनी चावल, चूड़े और चावल के लिए नामी है, लेकिन उसके लिए कोई मार्केटिंग नहीं है, उसको अच्छा मदद नहीं मिल पाता है। तो मैं उसके लिए प्रयास करूंगा कि वेंडिंग जोन, मार्केटिंग जोन उसके लिए हो सके, जो किसानों को मदद मिले। हमारे उत्तरी क्षेत्र में पानी की समस्या है, आर्सेनिक और आयरन प्रभावित पानी है, उसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। और इंग्लिश फरका और उसके पश्चात जो यहाँ पर घोसपुर, बगडेर और रजंगीपुर, बाबूपुर में ये सब कटाव से ग्रसित है, मैं उसके लिए रिंग बांध बनाने का प्रयास करूंगा कि वो कटाव खत्म हो जाए। उसके पश्चात हमारा जो नाथनगर सबौर और लैलक है, यहाँ पर रेलवे ओवर ब्रिज नहीं है, लैलक के क्षेत्र में जो है अलंग, पगड़ी और ये जो शिवाडी के क्षेत्र हैं, महेशपुर हैं, ये बैजलपुर, कुरपट हैं, इन लोगों के लिए राजपुर मुरहन रोड का होना बहुत जरूरी है। हमारा जो अजमेरीपुर, बैरिया है, रत्तीपुर है, इन लोगों के लिए चचरी पुल से लोग जाते हैं, वहाँ पर उसके लिए पुल का निर्माण करना होगा। ये शंकरपुर बिंद टोला में रेलवे नदी के ऊपर, जमुनिया नदी के ऊपर पुल का निर्माण बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर के सबौर, नाथनगर और जगदीशपुर में रेलवे, रोड, इनकी समस्या है। बिजली तो कुछ ठीक हो रहे हैं, उसमें कहीं कहीं पर खामी है, उसको मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। और पानी की समस्या, शिक्षा की समस्या सबसे बड़ी है, और सबसे बड़ी समस्या अस्पताल प्रबंधन की है, मैं चिकित्सा के लिए बेहतर प्रयास करूंगा। तो कुल मिलाकर मेरी प्राथमिकता है युवा को लेकर है, रोजगार को लेकर है, शिक्षा को लेकर है, मेरी किसान और मजदूर को लेकर के है, मैं कुल सभी क्षेत्रों को लेकर के एक सुंदर समाज का निर्माण करने का प्रयास करूंगा। ये एक जगदीशपुर की जहाँ तक बात आई, तो जगदीशपुर, मुझे ऐसा लगता है कि जगदीशपुर को किसानों के हित के लिए अगर बेहतर बाजार बनाया जाए तो वो व्यापार का एक बेहतर सोर्स हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही, हम लोगों का जो क्षेत्र है, तो नाथनगर विधानसभा, अगर आप नाथनगर में देखें तो नाथनगर के क्षेत्र, सबौर के क्षेत्र आम के लिए जाने जाते हैं, पूरे भारत में फेमस है, बाजार बना जा सकता है वहाँ पर जी। और जगदीशपुर जो है वो कतरनी चूड़ा और चावल के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। तो इन लोगों को, किसानों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, उसे सहयोग की देने की आवश्यकता है, किसानों की आंखों के आंसू को देखने की आवश्यकता है, कोई नहीं देख रहे हैं। हम प्रयास करेंगे कि मैं उनका लाठी बनूं, मैं उनका सहारा बनूं और उसके हमदर्द बनकर उसके आंख के आंसू को पोंछने का प्रयास करूं। चलिए, आगे की जर्नी के लिए, बातचीत के लिए तो पहले शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की जो जर्नी है उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं भी चाहता हूँ कि एक बेहतर समाज के लिए एक बेहतर प्रत्याशी को जनता चुने, ताकि समाज का एक बेहतर निर्माण हो सके। और मेरे साथ डॉक्टर अशोक कुमार आरोप थे, और मेरा विधानसभा क्षेत्र में लोगों से न्यूज कवर करने के लिए आना होता है, और मेरी कोशिश रहेगी कि कोई और भी प्रत्याशी, किसी और भी पार्टी के, अगर उनसे मेरी मुलाकात होती है तो जरूर मैं आप लोगों से मुलाकात रूबरू, उनकी मंशा आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और अशोक आलोक सर हमारे साथ थे, बातचीत इनसे हुई, और मेरी पूरी कोशिश थी कि मेरे मन में, और खासकर जो आप लोगों ने क्षेत्र में हमसे सवाल करा था कि दल बदलने का आरोप लग रहा है और विधायक बनने की हड़बड़ी है, तो तमाम तरह की बातें इनसे मैंने पूछने की
कोशिश की और जानने का भी प्रयास करा, और मैं भी चाहूँगा कि आप हमारा ये बातचीत देखें, और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में रखें। अगर मेरी मुलाकात हो जाती है चुनाव से पहले तो वो सवाल मैं फिर से इनके पास रखने की कोशिश करूँगा। मेरा नाम विकास कुमार सिंह है और कैमरा के पीछे सुमित राज मौजूद हैं। हमारा ये बातचीत देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।